गुजरात स्टाइल लाइक एक्चुअली हाउ पीपल ड्रेस अप इन अहमदाबाद रियल हेवी ज्वेलरी ऑथेंटिक स्टाइलिंग करना था मुझको नवरात्रि फर्स्ट सीरीज जो है द स्टाइलिंग सीरीज उसका ग्रैंड फिनाले के लिए आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ कोरियोग्राफर शी इज गोना टीच मी एन एंटायर रूटीन जहाँ पे सारे आउटफिट्स विल चेंज इसका प्रोडक्शन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमको ट्रांजिशन एकदम स्मूथ रखने के लिए पता ही नहीं चला है कि आउटफिट कब कैसे चेंज हुआ तो आई हैव टू प्रैक्टिस दैट कोरियोग्राफी एज सून एज इट्स सेट प्लस आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कोलैबोरेट विद सारा फिर वी गॉट रेडी टू गो टू एन एग्जीबिशन इन द इवनिंग अब नवरात्रि शुरू होने के पहले ही सबसे अच्छे वाले एग्जीबिशन हो जाते हैं एंड फॉर दिस वन मम्मा मैं मधुफू हम तीनों गए थे एंड द क्लोथिंग वॉज ओके ओके लाइक दे डिड हैव अ फ्यू चनिया चोली ऑप्शन एंड इंडिविजुअल पीसेस टू स्टाइल लेकिन होम डेकोर बैग्स एंड ज्वेलरी बहुत ही अच्छी थी तो मैंने ज्वेलरी पिकअप करी यहाँ से थोड़ी सी टू स्टाइल विथ माई नवरात्रि आउटफिट्स And then I wanted to make a custom backdrop. Uske liye we were hunting for laces or any patches that I can stick to the wall. And I did find really good ones. And Madhufi loves sandwiches. I love sandwiches. Mama loves sandwiches. So there was no question in what we were having for dinner. हमारी सारी shopping हो गई. अभी हम आए हैं खाने sandwiches. So we are taking it fast. कितना crazy खाए तो. मम्मी हैज गॉट वेजिटेबल टोस्ट मैंने और मधुफू ने ली है मसाला टोस्ट विच हैज़ पोटैटो स्टफिंग अगर आप मुंबई घूमने आ रहे हैं देन यू डेफिनेटली नीड टू ट्राई दिस टोस्ट सैंडविचेस बिकॉज दे आर वेरी गुड ऑफ कोर्स रैम टोस्ट तो चाहिए नाउ वी आर वॉचिंग गोस्ट फ्रैंक्स एक तो वाइट मौत आया कि अभी हम सब मिल के लूडो खेल रहे हैं और ये पहला गया अंदर ना ना मारी मारी Finally beginning to shoot the first episode of our first Navratri series. तो इसलिए कर रही हूँ because I really had this idea to like set a new trend. I want to be the trailblazer for this की if we are trying to give some input, if it's not an entertainment reel, तो थोड़ा तो आगे से होना चाहिए ना यार otherwise how will you get the time to get the same pieces and all? That's why I want to be the trailblazer for this trend. So nails के लिए I got these custom nails made, जिसमें वैसे तो पूरा nude है लेकिन tips are exactly Navratri वाले colors. And अभी I'm gonna do my first makeup look and I'm gonna do it very carefully क्योंकि मैं सारे looks में ऐसा ही makeup look रखने वाली हूँ. And I'm gonna be using Maybelline का Fit Me range because उसमें ना पूरा का पूरा regime is sorted out and festive makeup normally बहुत ऐसा heavy होता है लेकिन base correct होना is the most important and with the fit me range it's very comfortable to wear and एकदम seamless base बनता है starting with a primer this time I'm using the Maybelline fit me dewy plus smooth finish वाला primer because I'm going for a festive look and festive look में dewy glowy effect ना better लगता है so this really helps in absorbing all the oil and keeping it in control I want the makeup to stay koi dance fans karna hai na to I don't want to do a lot of layers isliye main color correction nahi kar rahi but I definitely want something which gives like a very natural coverage and finish and the Maybelline fit me concealer in the shade 20 sand is such a perfect fit for me kyunki ये एकदम लाइट होता है ना कंसीलर तो इट डज नॉट कंसील एनी स्पॉट्स और द डार्क सर्कल्स वो ग्रेश एकदम एशी लगता है एंड जो थोड़ा बच जाता है ना आई टेक इट ऑन माय आईज डन नाउ ऑन टू फाउंडेशन आई एम गोना शो यू अ वेरी कूल हैक टेक सम स्ट्रोक क्रीम और हाइलाइटर लिक्विड हाइलाइटर एंड देन टेक योर फेवरेट फाउंडेशन बस एंड हम डॉट कर देंगे I am using the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation.
माय शेड इज 115 आइवरी एंड इसमें 18 शेड्स है. तो ये फाउंडेशन फेस्टिव वेयर डेली वेयर दोनों के लिए सूटेबल है बिकॉज इसमें SPF है. फाउंडेशन का एकदम मैट फिनिश है, गिव्स अ वेरी नेचुरल लुकिंग कवरेज. एंड ऑनलाइन बाय करना इट्स ईजी बिकॉज वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर इज देयर. पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसे फाउंडेशन लगाया बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल फिनिश. बस नेक्स्ट आई एम गोना सेट एवरीथिंग इन विद द क्रेस्ट पाउडर. माय शेड इन द मेबेलिन फिट मी क्रेस्ट पाउडर इज 120 क्लासिक आइवरी. यार आई लव दैट इट कम्स विद अ मिरर. एट दिस प्राइस पॉइंट इट्स वेरी थॉटफुल. वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि फाउंडेशन एंड जो भी हमने बेस किया है इट शुडंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. अभी इतना भी प्ले करबा और उसमें जब स्वेट होता है ना, अगर उसको सील नहीं करते ना, देन इट विल स्टार्ट मूविंग. व्हेनेवर यू आर पिकिंग द शेड कीप योर अंडरटोन इन माइंड. सो आई एम लाइक अ न्यूट्रल पिंकिश अंडरटोन, इसलिए ये शेड मुझे परफेक्टली सूट करता है. कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं लाइक द स्पंज दैट कम्स विद, और इफ यू लाइक अ ब्रश यू कैन यूज अ ब्रश इज वेल. बोथ वर्क वेरी वेल बिकॉज द प्रोडक्ट गेट्स पिक्ड अप ऑन बोथ. एंड दिस हैज पर्लाइट मिनरल टेक्नोलॉजी व्हिच एक्चुअली अब्सॉर्ब्स ऑल द ऑयल एंड कीप्स द स्किन मैट. This is just a 3-product base. One of my favorite steps, blush. We're using the Maybelline Fit Me Blush in the shade 40 Proud. I feel like blush na jaan dal deta hai ek makeup look mein. Pura aisa face uplift ho jata hai. Here's a hack. Normally blush kaise log aise aage lagate hain? Try this. Take it from the center of your cheek towards your eyebrow. ऐसे लगाने से फेस को एकदम अपलिफ्टेड लुक मिलता है. एंड वन मोर हैक विच आई डू विच इज अ लाइफ सेवर, जब आप लेट हो ब्लश ही लेके यूज इट एज एन आई शैडो बिकॉज आपकी आईलिड्स का कलर ना वैसे भी डार्क होता है तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं लगेगा बट वो एक कोहेसिव मोनोटोन लुक बहुत अच्छे से बन जाएगा. This is to last for up to 16 hours and this new launch is one of my favorites. Even if I'm building it up, it's still literally just melting into the skin. Under the final step, the setting spray, please seize the deal. The Fit Me Matte Plus Poreless one is so good because it's non-comedogenic. Keep it 8 to 10 inches away and spray. Let it dry. You can literally achieve this look in like 3 to 5 minutes. Have you also had that experience ki kabhi spray karte se pure look pe ekdam chamki chamki aa gayi? That is just not a good look. Itni mehnat se kara hua base also goes to waste because of that. So this is a shine free matte look and 24 hour oil control ke saath aata hai. So you do garba, you do whatever, this is not supposed to make it oily and greasy. So this spray is very damn good and this is going to be my base for all my shoots for this Navratri series. And let's go, let's get ready for the first look. यहाँ पे पूरा डाइनिंग एरिया था तो हमने सब शिफ्ट किया है इधर. एंड वी वॉन्ट टू स्टिक पैचेज, हम बहुत मेहनत से ढूंढ के लाए लाइक 2 dozen ऑफ द सेम डिज़ाइन. साथ साथ में हर आउटफिट के साथ वो ज्वेलरी भी हम अरेंज कर रहे हैं. प्रोग्रेस सो फार. अभी शूट चल रहा है स्क्वाट में, कैमरा थोड़ा नीचे है. एक्चुअली यू नो इफ आई बेंड लाइक दिस माय लेग्स हर्ट मोर, तो वाइड स्क्वाट बेटर पड़ रहा है क्योंकि कल ही मैंने लेग वर्कआउट किया है विद लाइक 250 केजी का लेग प्रेस. सो इट्स पेनिंग इफ आई एम यूजिंग माय लेग्स मोर. एंड दे डोंट फॉल. हां एंड देन माई कोरियोग्राफर निरंजनी केम. मैंने एक ब्लैक क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन लिया टू प्रैक्टिस इन द घेरा ओनली. एंड इतना प्यारा सा रूटीन बिठाया था. इस दिन डांस करके मुझे वो डांस का एंथुजियाज्म वापस आ गया. पता लगा आई फेल्ट लाइक जॉइनिंग क्लास अगेन आफ्टर दिस. Hi, so I'm on my way to Sara Studio right now. We are collaborating for a very fun Navratri reel. मैंने मेकअप कर लिया है, मैं वहाँ पहुँच के करूँगी. Hi. Hi baby. Never ever in my life would I have thought ki aise a dog will come upon me and I'll not freak out. Hello. Hello. Full swing. White fairies.
पता ही नहीं चला कहाँ गई एंड वी आर कॉलिंग हर नॉनस्टॉप मेरा ही नहीं रही है दिस तो यू नो दैट माय फोन वाज ऑन डीएनडी आफ्टर नो जो भी एंड देन एवरीवन 11:34 मेरे सारा यू वांटेड समथिंग दैट्स व्हाई यू वर सर्चिंग फॉर वी वांटेड यू टू कम बैक That's the setup. Pravdeen and Sara just about to show. You want to see our umbrellas? Bahut mast hai. I'm sitting with my laptop until then. तुम ये position क्यों ना? ऐसे side profile दे दो. Side से वो बोल रहे हैं ऐसे. ऐसा ना? तो हाथ का मैं क्लोजअप लेता हूँ। It's taken me an hour to finish one apple. I want to sleep as close to the setup as I can. Hot tempo, 4:1. ठीक। टन ना ना ना। एक बिंदी का ये था। I have rice, gujarati dal, and atte wala pyaz sabzi, as in besan and pyaz ka sabzi. I need to have dal rice and galab. मुझे mix नहीं पसंद। Which one are you? Do you like mixed or do you like it alag alag? Ow, that was hot. So we've changed. Hair is also done. Just going to do. Oh shit. I'm just gonna apply the lipstick and jewelry and then we'll be ready. Now I have two vibe options, curly or oxidized. What are you going for? What or oxidized? Oxidized only. Or I had this in mind. No. Are you going oxidized? I don't like shell jewelry. Literally my most favorite ring. मैंने सारे shoots में ना यही पहनी for Navratri. Oh my god, this made the look so royal. Shoot went well. I think the reel is going to turn out very, very amazing. Such a long and hectic day. Yes. Finally. But it's nice when we meet back to back. Yeah. And also that the output of what we've shot comes great. I shoot days ka end mein I'm just like output acha bas. It was worth it. All packed up, finished, all editing also. I was like, मैं एक घंटा एक्स्ट्रा रुक के काम खत्म करूंगी तो घर भी फ्रेश माइंड से जाऊंगी और ट्रैफिक भी कम मिलेगा. So I was like, चलो, let me just finish everything. कैलकुलेट होता है, it's so true. And then came the shoot day of the finale. उस दिन भी मुझे थोड़े आउटफिट शूट करने बाकी थे सो आई हैड अप्रॉक्सीमेटली 11-12 चेंजेस ऑल विद ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड पूरा डांस रूटीन हर एक में नेल करना था तो इट वॉज क्वाइट अ लॉन्ग डे एंड वी स्टार्टेड विद प्रैक्टिसिंग द रूटीन ओनली फर्स्ट देन वी बिगैन विद द फर्स्ट लुक एंड हमेशा पहले लुक को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसी आउटफिट में हमें कैमरा ट्रीटमेंट नक्की करना था कि कब क्लोज आना है कब दूर जाना है कितना वाइड रखना है एंड देन वी कीप गिविंग टेक्स अंटिल दिस इज ऑल फाइनलाइज्ड ये खत्म करते से आई गॉट माई पीरियड उस दिन पे ऐसा लगा कि सब यार एक साथ ही हो रहा है बट आई वॉज वेरी डिटर्मिंड कि ये तो मैं अच्छे से करके ही रहूंगी एंड आई डिडंट लेट एनीथिंग कम इन द वे ऑफ दैट Yeah, after, yes, we've been at it since 11. Niranjani has been here. Niranjani has choreographed the entire thing. Yes. And he's just killing it. I'll try, but if you don't want to, we will keep rolling. Actually, there's like a stain here, which I'm trying to cover. What? मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम गरबा खेलने जा रही हूँ वो भी फाल्गुनी सीधा सो माँ हैज बिन गोइंग सिंस डे थ्री सिंस द ब्लू कलर वॉज देयर आई थिंक ब्लू वॉज डे थ्री आज ग्रे है एंड इट्स ऑलरेडी 9:30 नॉर्मली 10 बजे बंद हो जाता है बट आज सैटरडे है तो आज 12 बजे तक है मैनेज टू पुट टुगेदर दिस वेरी क्विकली लिटली सब झुमके पहनने का और कुर्ता चेंज करने का टाइम मिला है वेयरिंग प्लेन ब्लैक लेगिंग्स नीचे आई हैव टू कैरी अ बैग क्योंकि पॉकेट्स नहीं है इसमें आज फोन कहाँ रखूंगी फोन तो लेके ही जाऊंगी कदम उन्हें टेक यू विथ मी एक्साइटेड फर्स्ट टाइम जा रही हूँ यार आउट
वाला नाव में चना चोली पे है, टाइम में ना शॉर्ट करता। इतना रिफ्रेशिंग लगा टू सी सो मेनी पीपल इन वन प्लेस आफ्टर एवरीथिंग दैट वी वेंट थ्रू फॉर टू इयर्स। मीका सिंह हैड आल्सो कम, ही संग फॉर अ व्हाइल, इट फेल्ट लाइक अ कॉन्सर्ट, तभी पता है व्हेन ही हैड कम। और फिर देशना टुक मी फॉर एन एंटायर टूर इन द प्रीमाइसेस। हमने लेवल 2 से लेके रास लीला एंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा एंड ओ माय गॉड, इट वाज माइंड ब्लोइंग। आई हैव बीन अ फैन ऑफ फाल्गुनी सॉन्ग सिंस आई वाज अ बेबी, बिकॉज़ आई एम गुज्जू यार, तो हर गुज्जू हाउस होल्ड में तो ये बजते ही है। एंड आई मेट सो मेनी ऑफ आवर फैमिली सब्सक्राइबर्स। फिर हमने मस्त मौसमी जूस पिया एंड ढेर सारे फोटोज क्लिक किए। कभी कभी ऐसे फ्यूजन सॉन्ग्स बज रहे थे, जैसे राता लंबिया बज रहा था तो उस पर ऑल्सो एवरीबडी सेट अ गरबा स्टेप। एंड मैंने 3-4 नए स्टेप सीखे आज। ये ना मेरे नवरात्रि का हाईलाइट था। एंड गेस व्हाट, मैंने सेम मेकअप रूटीन किया था सुबह एंड घर जाने तक इतनी गर्मी में होने के बावजूद नथिंग मूव्ड, द बेस वाज फेनोमिनल। रात के 12 बज चुके हैं, अब हम निकल गए। दिस वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस। अभी हम चाट खा रहे हैं, ये रगड़ा पूरी है, इट्स अ रीसेंट चाट डिश आई हैव डिस्कवर्ड। एंड व्हेनेवर यू कम टू मुंबई यू हैव टू ट्राई दिस। इसमें ना पानी पूरी की पूरी में रगड़ा एंड देन टमेटो अनियन सारी चटनी एंड सेव, वेरी यम्मी। सो दिस वॉज माई क्रेजीएस्ट नवरात्रि ऑफ माई लाइफ। गुज्जू होने के बावजूद मैंने कभी नवरात्रि ऐसे सेलिब्रेट नहीं की, बट बिकॉज यू ऑलवेज गिव मी सच अ गुड रिस्पॉन्स और एवरी टाइम आई ट्राई अ न्यू सीरीज, मैंने हिम्मत करके नवरात्रि सीरीज करी एंड आई एम सो हैप्पी विद हाउ इट टर्नड आउट एंड हाउ यू लाइक इट एज वेल। इफ यू लाइक टू ट्राई एनीथिंग फ्रॉम द मेबेलिन फिटमी रेंज, आई विल बी लिंकिंग एवरीथिंग डाउन बिलो एंड आई लव इट बिकॉज इट फिट्स मी एज आई एम एंड इट डेफिनेटली एनेबल्स मी टू बी द ट्रेलब्लेजर दैट आई एस्पायर टू बी। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कैसी गई आपकी नवरात्रि, इफ यू वांट टू प्ले और नॉट, एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो देन डू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोस। इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो विद अस, गिव इट अ थम्स डाउन। आई विल सी यू इन अ brand new video very soon. Until then, goodbye.